से नहीं होना, इस वजह से इसे बाल विवाह संबंध में जागरूकता की कमी रही है। अजमेर जिले को बाल विवाह मुक्त करने के लिए आज बाल विवाह अधिकारियों को, बाल संरक्षण अधिकारियों को, बाल कल्याण समिति को और आखा तीज पर अजमेर जिले में हुए बाल विवाह के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक। प्राधिकरण सचिव रामलाल जाट ने कहा, प्रशासन व पुलिस के मुस्तैद नहीं होने व जागरूकता नहीं होने के चलते हुए बाल विवाह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट ने कहा कि विभागों में सजगता नहीं होने, प्रशासन व पुलिस के मुस्तैद नहीं होने और लोगों में जागरूकता नहीं होने के चलते जिले में बाल विवाह हुए हैं। उन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सहित सोशल मीडिया पर बाल विवाह की खबरें आने के बाद शुक्रवार को बाल विवाह परिषद अधिकारियों, बाल संरक्षण अधिकारियों, बाल कल्याण समिति अधिकारियों और एनजीओ संस्था के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर फीडबैक लिए और कार्रवाई के निर्देश दिए। जो विवाह हो चुके हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, इस सवाल पर सचिव रामलाल जाट ने कहा कि पुलिस बाल विवाह अधिनियम के तहत अभिभावकों पर मुकदमे दर्ज कर न्याय संवत कार्रवाई करेगी। भविष्य में बाल विवाह ना हो इसे लेकर जागरूकता के लिए अन्य कई कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे। बाल विवाह को लेके अजमेर के कुछ प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें आई थी, जिसमें यह पाया गया है कि अजमेर में बाल विवाहों का आयोजन हुआ है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासन और पुलिस का मुस्तैद नहीं होना, इस वजह से ऐसे बाल विवाह संपन्न हुए हैं, जागरूकता की कमी रही है। तो अजमेर ज़िले को बाल विवाह मुक्त करने के लिए आज बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारियों को, बाल संरक्षण अधिकारियों को, बाल कल्याण समिति को और विभिन्न एनजीओज को हमने बुलाया है और इस संबंध में उनसे फीडबैक ली गई है और इस बाल विवाह के बारे में मुस्तैद रूप से कार्य करने के लिए उनको निर्देश दिए। सर, किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप, क्या देंगे? हमारा मुख्यतः जो कार्य है वो है विधिक जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार से कानून का उल्लंघन किसी भी प्रकार से न हो पाए, इस संबंध में लोगों को कानूनी जानकारी दें तथा सामाजिक बुराइयां दूर हो। सर, जो बाल विवाह हुआ है उस पर किस तरह की कार्रवाई रहेगी? बाल विवाह जो हुए हैं उसके संबंध में पुलिस अपने स्तर पर कार्यवाही करेगी, क्योंकि बाल विवाह का आयोजन है जो अजमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है। पुलिस अखबार की कटिंग के आधार पर भी FIR दर्ज कर सकती है।